हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्रेंडिंग रैप की रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है ओवर द इंटरनेट और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में आपको मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा और इसे मैंने अपने तरीके से बनाया यानी कि सिंपल तरीके से। आपको अलग से कोई भी आलू पैटीज या कोई भी स्टफिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मज़ेदार सी चटनी बनाइए और ये रैप बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। ट्रेंडिंग रैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें टॉर्टियाज बनाकर तैयार करना होगा, सिंपल भाषा में रोटी या पराठा। तो एक बोल में हम ऐड कर लेंगे आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच नमक और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। हमें इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लेना है, जिस तरीके से आप रोटी या पराठा के लिए गूंथते हैं। अगर आपको एकदम हेल्दियर वर्जन चाहिए तो आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो या नहीं तो आप इसे मैदा से भी बना सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, आपको जैसा पसंद है वैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे गूंथकर तैयार कर लिया है और अब हम इसकी लोई काटेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके मीडियम साइज़ के 4 लोई कट कर रही हूँ। आप लोई अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं। और अब हम इसे बेल लेंगे। तो एक डो लेंगे और उसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे अच्छी तरीके से। आप आटा के जगह पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हम अच्छी तरीके से डस्ट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल पतला बेल कर तैयार कर लेना है। आवश्यकता लगने पर आप इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करें और इसे एकदम पतला रोल करके तैयार कर लें। इसे पतला ही रोल करें, मोटा ना रोल करें, नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से रोल कर लिया है और अब हम इसे बहुत ही केयरफुली हाथ पर उठाएंगे और इसे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा को पहले ही से गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से डाल देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम में हमें इसे लगभग 80% तक कुक कर लेंगे। तो इसे बार बार इस तरीके से फ्लिप करते हुए लगभग 80% तक आप इसे कुक कर लें। पूरी तरीके से हमें इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छी तरीके से फोल्ड नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा रैप या टॉर्टियाज जो भी आप कह लीजिए वो बनकर तैयार है और इसे हम निकाल कर साइड में रख देंगे और सेम इसी तरीके से सारे रैप और टॉर्टियाज को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे टॉर्टियाज बनकर तैयार हैं और अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें ताकि जब हम इसके अंदर स्टफिंग डालें तो हमें आराम हो इसे फोल्ड करने के लिए। और अब मैं इसे इस टॉवल में इस तरीके से डाल दूँगी ताकि हमारे जो टॉर्टियाज और रैप जो हैं वो सूखे नहीं। तो इस तरीके से मैंने सारे को फोल्ड कर लिया है और इसे मैं इस तरीके से टॉवल में डालकर ढककर रख दूँगी। और अब हम रैप के लिए एक ज़बरदस्त सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक ब्लेंडिंग जार में हम ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी के करीब धनिया पत्ता, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक मोटे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें, आधा नींबू का रस, 1/4 कप भुना हुआ मूंगफली, नमक हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए। थोड़ी सी गाढ़ी ही रखें, पतली ना रखें, क्योंकि हमें इसे रैप के ऊपर स्प्रेड करना है। और अब हम रैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रैप ले लिया है और इसे इस तरीके से हम खोल लेंगे और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो एक सीज़र की मदद से मैं इसे इस तरीके से कट कर ले रही हूँ जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसे फोल्ड करने का एक ही फ़ायदा है कि इसे हम आसानी से कट कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर ये चटनी स्प्रेड कर दूँगी
बहुत ज़्यादा भी चटनी ना ऐड करें, एक चम्मच चटनी को इस तरीके से आप स्प्रेड कर लें। सिर्फ आप रैप के एक ही पोर्शन में स्प्रेड करें, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इसे आप अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लें। तो यहाँ पर मैंने चटनी को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ये चीज़ का स्लाइस। तो इस तरीके से डालेंगे और इसे हल्का सा फोल्ड कर देंगे ताकि ये बाहर ना दिखे इस तरीके से। तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर ले रही हूँ और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे ये दो आलू के स्लाइसेस, जिसे मैंने बॉईल करके पील करके फिर से स्लाइसेस में कट कर लिया है। एक पोर्शन में आलू ऐड कर देंगे, दूसरे पोर्शन में हम कुछ अनियंस और टमेटो ऐड कर देंगे और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लूँगी, क्योंकि बॉयल्ड आलू में कोई फ्लेवर नहीं होता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक सिर्फ हम चीज़ पर, आलू पर और प्याज और टमाटर पर ही ऐड करेंगे, चटनी के ऊपर नहीं ऐड करेंगे। और अब मैं इसके ऊपर ये काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, तो सेम उसी तरीके से सिर्फ चीज़ पर, आलू पर और टमाटर और प्याज पर ऐड करेंगे। और अब हम रैप को फोल्ड करेंगे, तो जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और सेम इसी तरीके से हम सारे रैप को फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे रैप को फोल्ड करके तैयार कर लिया है और ये देखिए हमारा रैप कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। और अब मैं इसे सेक लेती हूँ, तो चलिए गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, गैस ऑन कर लेंगे और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा तेल और इसे हम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अब मैं ऐड कर दूँगी ये रैप, एक बार में मैं यहाँ पर एक ही रैप सेक रही हूँ, तो इसे हम बीच में इस तरीके से डाल देंगे और इसे हम ढक कर लगभग एक मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पर लगभग एक मिनट हो गया है, ढक्कन उठाकर एक बार हम चेक कर लेते हैं और इसे हम बहुत ही सावधानी से पलट लेंगे और इसे हम वापस से एक मिनट के लिए सेक लेंगे। तो यहाँ पर लगभग एक मिनट हो गया है, ढक्कन उठाकर एक बार चेक करेंगे। एक बार वापस से मैं फ्लिप कर लेती हूँ, तो ये देखिए दोनों साइड अच्छे तरीके से ये सिक गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी सारे रैप को सेक लेंगे। तो इस बार मैं सारे रैप को एक साथ ही सेक रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, पर मुझे तवा पर सेका हुआ रैप ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो थोड़े से कड़ाड़े होते हैं। और अब हम इसे वापस से बिल्कुल उसी तरीके से ढक कर एक एक मिनट के लिए कुक करेंगे। दोनों साइड आप एक एक मिनट के लिए इसे सेक लें। तो यहाँ पर हमारा जो रैप है वो बनकर तैयार है। आप इसे सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।